या बांग्लादेश को, बांग्लादेश के अंदर भारत ने पहला टेस्ट मैच हराकर अपनी जगह पक्की करने के लिए भारत डब्ल्यूटीसी में फाइनल में पहुंचने के लिए भारत बन चुका है। इंडिया की टीम ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को बांग्लादेश में शिकस्त दे दिया है। और क्या कमाल की बॉलिंग जो इंडिया की जनप से देखने को मिली है। इंडिया मैच जीत गया, कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच हो गए, कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था। 7 विकेटें और पहली इनिंग में उनके बनाए गए 40 अहम रन्स। लेकिन इंडिया की विक्ट्री बड़ी कॉम्प्रेंसिव भाई, 188 रन से नॉट अ सरप्राइज एट ऑल टू मी, इसलिए क्योंकि डोमिनेट किया इंडिया ने पूरा ही टेस्ट मैच। भारत ने किया कमाल की बॉलिंग, अजय पटेल जो है वो छा गए हैं। सिराज के जो अर्ली स्पेल ने इस चीज की बुनियाद रखी कि इंडिया हर हाल में बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग में लीड लेगा और हेल्दी लीड लेगा। उसके बाद जैसे ही कुलदीप का इंट्रोडक्शन हुआ, कुलदीप यादव ने तहस नहस कर दिया और इंडिया ने टोटली आउटक्लास किया बांग्लादेश को के घर पे। और कहीं ना कहीं रिवेंज भी है, भारत का जो ओडीआई सीरीज इंडिया हारा था तो इस टेस्ट मैच को भारत ने ऐसा रिवेंज भी लिया। कुलदीप यादव आई एम वेरी हैप्पी कि वो उसका कमबैक हुआ और बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक उसने किया। 8 विकेट ली, 3 विकेट ली सेकंड इनिंग में, तो उसकी 8 विकेट हुई मैच में, प्लस एट द सेम टाइम फिर उसने 40 रन भी बड़े वैल्यूएबल किए फर्स्ट इनिंग में। तो ही इज हैड अ वेरी गुड कमबैक एंड आई वांट टू सी हिम प्ले रेगुलरली इन टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया। और वही हुआ आज के दिन, पहले ही सेशन में जो है इंडिया ने जो चलता किया बांग्लादेश को और जो अपनी मंजी जो है बांग्लादेश में ठोक के रख दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में हरा दिया है और एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। 188 रन का ये भारत को जीत मिली है और ये जीत लगभग मतलब आज का दिन तो होने ही वाला था कि ये जीत भारत के मतलब पास आने ही वाला था, लेकिन ये देखा जा रहा था कि कितने रन से भारत जीतेगा। तो भारत एक बड़ा रन लोग जो कि कह सकते हैं 188 रन से भारत जीत गया और कुलदीप यादव जो है वो मैन ऑफ दी सीरीज जो मैच रहे इस जो टेस्ट की, क्योंकि उन्होंने जो पहले जो इनिंग्स में उन्होंने 3 विकेट लिए थे, फिर 4 विकेट लिए थे, फिर उसके बाद इस इनिंग्स में उन्होंने 3 विकेट लिए और इसके बाद अगर देखा जाए जो 40 रन उनका था पहले इनिंग्स में वो भी भारत के लिए बहुत ही बड़ा था। लेकिन जिस तरह से भारत ने 513 रन टारगेट दे दी थी बांग्लादेश को, बांग्लादेश तो ये जीत ही नहीं सकता था और भारत ये पहली मतलब पहले जीत चुका था जब ये टारगेट इतना बड़ा था और भारत ने बिल्कुल नागिन डांस करना पाकिस्तान को बंद कर दिया था और एक तरह से भारत ने रिवेंज भी ले लिया ओडीआई की जो विक्ट्री था बांग्लादेश से और बांग्लादेश को बांग्लादेश में जाकर टेस्ट में हरा दिया। दोस्तों इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी भारत की जमकर तारीफ कर रहा है, जैसे कि आपने यूट्यूब पर देखा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, मजा लेते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड। इंडिया मैच जीत गया, कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच हो गए, कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था। 7 विकेटें और पहली इनिंग में उनके बनाए गए 40 अहम रन। जो अश्विन के साथ वो खड़े हुए थे, पार्टनरशिप की थी, तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। असल में इंडिया की जीत की बुनियाद जो डे 1 पर रखी वो रखी थी चितेश्वर पुजारा ने अय्यर के साथ मिलकर, जब उन्होंने 4 विकेटे गिर जाने के बाद कंसोलिडेट किया और मेक श्योर किया कि 350 से आगे निकल जाए इंडिया। फिर अगेन अश्विन का 50 आया, उसके साथ कुलदीप का वो 40 आया जो कुलदीप को मैन ऑफ द मैच दिलाने में बहुत अहम बना। सिराज के जो अर्ली स्पेल ने इस चीज की बुनियाद रखी कि इंडिया हर हाल में बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग में लीड लेगा और हेल्दी लीड लेगा। उसके बाद जैसे ही कुलदीप का इंट्रोडक्शन हुआ, कुलदीप यादव ने तहस नहस कर दिया। अब मेरा सवाल यह है कि कोई भी कल्परेट हो, कौन है वो लोग जो कुलदीप यादव को बगैर किसी वजह के बाहर बिठा के रखते हैं। एक बंदा जो लो आर्म से बॉल करता है, हाई आर्म से बॉल करता है, ट्रेजेक्ट्रीज को अपनी चेंज करता रहता है, फ्लैट आता है, फ्लाइट देता है, वेरिएशन गाइड, उसके बाद जो है वो मिडिल स्टंप से गुगली करता है अपना, चाइना मैन का गुगली इस तरफ जाता है राइट हैंडर के बाहर की तरफ और लेफ्ट हैंडर के लिए वो अंदर आता है। तो चाइना मैन बॉलर इटसेल्फ एक मिस्ट्री है, बड़े रेयर केसेस होते हैं चाइना मैन बॉलर। इंडिया की टीम ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को बांग्लादेश में शिकस्त दे दिया है और क्या कमाल की बॉलिंग जो है इंडिया की जनप से देखने को मिली है। बड़े आराम के साथ जो है वो पांचवें दिन खेल के पहले ही सेशन में बांग्लादेश को शिकस्त दे दिया है। कल ही नजर आ रहा था कि ये एक ही सेशन की गेम है अभी और एक आध सेशन में इंडिया जो है बांग्लादेश को हरा देगा। आज आए तो टोटल 53 स्कोर बांग्लादेश ने बनाए, 53 में से भी 44 तो खाली शाकिब के ही थे, बाकी कोई कुछ नहीं कर सका। मैदी की बात करें, कोई कुछ नहीं कर सके, वही 13 स्कोर भरी। ताजुल इस्लाम 4 स्कोर, इबादत हुसैन 0। वो इंडिया की टीम जो है 188 के एक बड़े मार्जिन से ये जो है वो मैच जीतने में कामयाब हुई है और इंडिया ने फॉलो ऑन अगर दिया होता तब भी इंडिया की टीम जीत जाती वैसे, क्योंकि 400 से तो ज्यादा स्कोर था ही। अगर फॉलो ऑन नहीं दिया फिर भी इंडिया ने अच्छा, वही चीज हुई, इंडिया ने 512 का टारगेट दे दिया जो कि बांग्लादेश की पहुंच से दूर ही था। और वही हुआ आज के दिन, पहले ही सेशन में जो है इंडिया ने जो है चलता किया बांग्लादेश को और जो अपनी मंजी जो है बांग्लादेश में ठोक के रख दिया है। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो उनके वही जाकिर के 100 स्कोर और शाकिब के 84 स्कोर, बाकी कोई भी बंदा जो उस तरह से बैटिंग नहीं कर। जो बड़ी बात है वो ये है कि 12 पॉइंट्स
WTC का जो फाइनल है उसके लिए इंडिया को जो है वो और ज्यादा जो है सफर जो है आसान हो गया है और 12 पॉइंट्स इंडिया को मिल गए हैं। अभी एक मैच और है यहाँ पर और वो भी अगर इंडिया की टीम जीत जाती है तो यहाँ से 24 पॉइंट इंडिया के खाते में आ जाएंगे। उसी तरह आज इंडिया ने इनिंग्स अपनी विक्ट्री कंप्लीट कर ली। इंडिया भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रन में है। दे ऑल्सो नीड टू विन द सेकंड टेस्ट ऑल्सो अगेंस्ट बांग्लादेश देन द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टू बी इन द रन फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। लेकिन इंडिया की विक्ट्री बड़ी कॉम्प्रेंसिव भाई 188 रन से नॉट अ सरप्राइज एट ऑल टू मी, इसलिए क्योंकि डोमिनेट किया इंडिया ने पूरा टेस्ट मैच। फिर शकीब ने भी कहा कि पिच बुरी नहीं थी बैटिंग के लिए, हमने बुरी बैटिंग की फर्स्ट इनिंग्स में, तो इट वॉज नॉट व्हाट यू कॉल अ पिच, कोई ऐसा नहीं था जिसमें बॉलर्स को कोई ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही हो। तो आई थॉट के जैसे कुलदीप यादव आई एम वेरी हैप्पी कि वो उसका कमबैक हुआ, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक उसने किया, 8 विकेट लिए या 3 विकेट लिए सेकंड इनिंग में, तो उसकी 8 विकेट हुई मैच में, प्लस एट द सेम टाइम फिर उसने 40 रन भी बड़े वैल्यूबल किए फर्स्ट इनिंग में, तो ही इज हैड अ वेरी गुड कमबैक एंड आई वांट टू सी हिम प्ले रेगुलरली इन टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया क्योंकि ही ब्रिंग्स इन दैट एक्स फैक्टर फॉर यू, यू नो, अगर वो थोड़ा सा अपने लाइन पर कंट्रोल कर ले, बड़ा अच्छा बॉलर है यार वो, मतलब विकेट टेकिंग बॉलर है। अक्षर ने 4 विकेट ली और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना वो ये थी कि इस पिच में भी सिराज और उसने उमेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मतलब आज भी सिराज ने ब्रेक थ्रू दिलाया जब उसने मिराज को आउट किया, बट दे गॉट द की विकेट्स एट द राइट टाइम्स सिराज एंड उमेश यादव, बाकी स्पिनर्स ने अपना काम किया और अक्षर बोल्ड वेरी वेल टुडे। तो 188 की विक्ट्री थी भाई आज, एक बेचारा शकीब भी था जो खड़ा रहा 80 कुछ की, काफी दिनों बाद उसने रन किए 80 कुछ किए उसने, और बाकी तो सब जैसे मिराज आउट हुआ तो सिंगल फिगर में सब जा रहे थे घर वापस। कि शानदार किस्म की फतह जो है वो इंडिया ने हासिल की है और कमाल धमाल किस्म की जो अक्षर पटेल ने बॉलिंग की है, छा गया भारत भाई साहब। देखिए इंडिया एब्सोल्युटली इंडिया ने टेस्ट मैच जीत रही थी और अगर आप देखो तो इस मैच में शुरू से पहले दिन से भारत की डोमिनेशन नजर आई थी और इंडिया ने टोटली आउट क्लास किया बांग्लादेश को के घर पे और कहीं ना कहीं रिवेंज भी है। भारत का जो ओडीआई सीरीज इंडिया हारा था तो इस टेस्ट मैच को भारत ने ऐसा रिवेंज भी लिया और उसी तरीके से आउट क्लास और अब इंडिया ने बांग्लादेश को एक बड़ी जबरदस्त किस्म की विक्ट्री उनके अगेंस्ट हासिल करने के बाद अब इंडिया के जो WTC में जाने के इम्कान हैं वो किसी हद तक रोशन नजर आ रहे हैं। इंडियन टीम की आपको एक तारीफ तो करनी पड़ेगी, ठीक है कप्तान चेंज हो गए जो भी है कोच चेंज हो गए, लेकिन जिस तरीके की इंडियन क्रिकेट टीम जो 10 साल से लास्ट टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, चाहे अपने घर पर खेल रहा है चाहे बाहर जाकर खेल रहा है, ये टीम अच्छा कर रही है। ये टीम भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़कर थर्ड नंबर पे आ गया, नंबर 2 पर मौजूद है जनूबी अफ्रीका, नंबर 1 में मौजूद है ऑस्ट्रेलिया, याद रखिए यार ये, और इसमें इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, खाली अपना बांग्लादेश को टेस्ट मैच में हराना ही है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराना है बस, तो इंडिया चला जाएगा नंबर 2 पे। तो दोस्तों जिस तरह से आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया भारत की तारीफ कर रहा था और भारत की तारीफ भी करना चाहिए क्योंकि देखा जाए तो भारत बोथ बैटिंग एंड बोलिंग में जमकर अच्छा प्रदर्शन किया और प्रदर्शन अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव का सबसे अच्छा रहा, इसके बाद मोहम्मद सिराज का कह सकते हैं, उनके साथ साथ अक्षर पटेल भी जो आखिरी इनिंग्स में जिस तरह से वो विकेट लिए वो भी मतलब जबरदस्त विकेट वो ले लिए, उनको जितनी तारीफ किया जाए अक्षर पटेल की भी उतनी कम है क्योंकि अक्षर पटेल भी अच्छा साथ निभा रहे हैं कुलदीप यादव का और वो मोहम्मद सिराज के बाद उनका जो पारी दिया उनका जो बॉलिंग दिया जा रहा है दोनों को मिलाकर वो भी उनका मतलब जोड़ी अच्छा पड़ रहा है, जैसे कि सिराज के बाद आकर अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे हैं, एक तो अक्षर सिराज बहुत ज्यादा अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं इस जो टेस्ट क्रिकेट अगर कहा जाए वो भी व्हाइट बॉल में भी, अब जो रेड बॉल में भी अभी सिराज चमकने लगे हैं और इसके साथ साथ कुलदीप यादव का तो क्या ही कहना, कुलदीप यादव तो मतलब उनको इतने दिन से बैठाया क्यों गया था भाई, अगर वो इतना अच्छा खेल ही रहे हैं, वो इतना अच्छा चाइनामैन बॉलर है और इतना अच्छा गुगली, उनके पास तो सब तरकीब है क्योंकि और क्या कथा जाए, उनके साथ तो 9 भी हुआ था मतलब एक मतलब कहा जा सकता है। और अगर देखा जाए तो भारत को इस मैच जिस टेस्ट जीत के 12 पॉइंट में मिल गए तो भारत तीसरा पायदान पे चला गया और साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में अब 5 पॉइंट का ही अंतर रह गया जो कि साउथ अफ्रीका के पास 60 पॉइंट है और इंडिया के पास 55 पॉइंट है, तो देखते हैं अब इंडिया कैसे दूसरे पायदान पर पहुंच के, मुझे तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अब भारत को ही WTC की फाइनल के जाकर फाइनल खेलना चाहिए बांग्लादेश को भी हराकर और ऑस्ट्रेलिया को अपने होम पे हराकर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए और इंडिया की इस जीत को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय दीजिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।